कस नगरी मीठो मीठो बोल रे सुवटिया। अरे बाला जिसे मीठो मीठो बोल रे सुवटिया। रवि भैया थोड़ा सूटिया का मामला है, एक बार आओ आओ। और भक्तों से निवेदन, भक्तों अपनी भक्ति के अंदर आना की माना कि यहाँ पर थोड़ा मौसम गर्माहट का है, उमस भी है। मीठो बोलो सूटियो ओ बालाजी सुन मन नीरी बात बात देदर सुन दुख मेटी जू ओ बाला सिर पर दरी जू हाथ सुसवटी उन्हें बोलू मीठो बाला जी के चरणों में 1 2 3 अरे बाला जी का मेरा माई बोल रे सुवटिया। बिल्कुल सभी शांति से बैठ गए हैं। आप सब अपनी जगह विराजे, आप सभी विराजे अपनी जगह। कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है हमारा, हमें वहाँ की तरफ ध्यान नहीं देकर यहाँ मंच की ओर ध्यान देना है। हम यहाँ इस भजन संध्या में, भक्ति संध्या में आए हैं और इसी से जुड़ कर रहेंगे। आइए बहुत सुंदर भजन चांदमल जी के द्वारा सुवटियों सुनाया जा रहा है, और उतना ही आकर्षक भाव नृत्य गोरी जी नागोरी के द्वारा। वहाँ जितने भी भाई लोग खड़े हैं वो सभी भी इधर आ जाए मंच की ओर। बिल्कुल पुलिस प्रशासन आया हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं है, उधर एक ऐसे कोई गाय गोसाई है तो भक्तगण वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल आप बैठ जाए, बहुत सुंदर सहयोग पुलिस प्रशासन का हमें मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भैया लो 1 2
कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल प्रशासन के लोग बता रहे हैं। तो आप सभी से विशेष निवेदन है, आप बिल्कुल अपनी यथास्थान आकर विराजमान हो जाए। हमारे बिल्कुल प्रशासन के गणमान्य लोग यहाँ बता रहे हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए, बल्कि आप वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका यहाँ बैठ कर स्वागत करें। हाँ भैया, हमारे डायरेक्टर साहब श्रीमान इलेज वैष्णव साहब से निवेदन, एक बार मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाए, एक बार आ जाए मेरे किले से। आपका छोटा भाई आपसे करोड़ा निवेदन है, अनन्य निवेदन है, एक बार मेरी बिल्कुल बाबा एनआर जी के डायरेक्टर साहब, एक बार आ जाओ। बाबा को मानते हो आप, श्रद्धा के साथ एक बार आ जाओ। समूची दुनिया में एक अलग नाम पहचान बनाने वाले श्री नीलेश जी वैष्णव, एक बार और हमारे नीलेश जी के लिए मीठी मीठी ताली भक्तों। इनका अंदाज अलग है और इनका काम भी अलग है, वो आपको स्टेज पर देखने को मिलेगा। एक बार आए हमारे बियाराम जी आपका स्वागत करेंगे, एक बार स्वागत करिए, एक बार मंच पर बधा रहे स्वागत के लिए, बधा रहे सर एक बार बिल्कुल मंच पर बधा रहे स्वागत के लिए। हमारे बियाराम जी कुड़ी साहब आए हैं स्वागत के लिए और जोरदार तालियां इनके लिए। कालू जी YouTube के ऊपर आप जो वीडियोस देखते हैं उनमें, इसके अलावा गोगा जी और तेजा जी का जो रोल कर रहे हैं आदरणीय भाई साहब नीलेश वैष्णव, कहते हैं करती है ये फरियाद ये धरती कई हजारों साल, करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, और तब जाकर पैदा होते हैं ऐसे माई के लाल, माई के लाल तब जाकर पैदा होते हैं ऐसे माई के लाल। बहुत जोरदार तालियां। और इसी कड़ी में श्रीमान कालू जी गोपाल म्यूजिक बाबा के डायरेक्टर का भी स्वागत होना चाहिए। दिनों दिन बढ़ती रहे, प्रगति करते रहो आप बाबा की। ये हमारे कालू राम जी, क्या बात है, गोपाल म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर और आज के विशेष हमारे डायरेक्टर जो हैं सर जी, मैं निवेदन चाहूंगा हमारे रवि भैया का आप स्वागत करेंगे माला और बिल्कुल आ जाइए रवि भैया, आपसे विशेष या बिल्कुल रवि भैया इधर आइए और आपका विशेष। हाँ जी, और देखिए आज जो भी हम सब कलाकार यहाँ पधारे हैं रवि भैया के बदौलत, हम यहाँ सभी कलाकार बंधु पधारे हैं और इन्होंने बेहतरीन नेतृत्व में अपनी टीम यहाँ उतारी है। पिछली साल हमारे डॉक्टर साहब और रवि भैया ने डॉक्टर, इस बार भी हमारे रवि भैया डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छा तरीके से ये मेंटेन किया है, तो एक बार बिल्कुल जोरदार जयकार बोलो बालाजी महाराज की जय हो।
आसुरी गुरी रे मारी प्रण दी हटी आसुरी गुरी रे मारी प्रण दी हटी कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी होनी चाहिए। आज जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया है दिल खोल के बालाजी महाराज के दरबार में पैसा लगाया है, लेकिन ये बात को आनंद आनु चाहे सभी भगत लोग सुबह याद करें कि बालाजी महाराज के जगह तो बढ़िया हुए, लेकिन इनमें आप लोगों को आइडियंस बहुत तगड़ो है, आप लोगों की हाजिरी बहुत जरूरी है, क्योंकि मंच में ये जो कलाकार बेटा सब मजदूर है लेबर है यार, लेकिन आप लोग निस्वार्थ लड़े हैं, वो सब आप लोगों को गाइडेंस माने मिली यदि आनंद आई, आप लोग दोनों हाथ बिल्कुल सीधा उठाओ और ताली की आवाज बराबर बालाजी महाराज का दरबार में पूछनी चाहिए सबकी। एक मिनट हल्का एक हाथ खड़ा करो सीधा अटी बेटा जी हो, अरे यार अंधेरा बैठ जियो बेटा दिखा अंधेरा में भाई दिखे कौन है, अब
ढोल की बात में बजरी आपकी ताली की आवाज पहली आवली एक दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बारह बारह लगाई जगह चार।